हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से जो बिहार पुलिस दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का 1275 पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका फॉर्म का आज लास्ट डेट है। अब यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको कहा लास्ट डेट का मतलब 5 नवम्बर 2023 आज का डेट है। और साथ में यहाँ देखिएगा आप ऊपर में 10:41 यहाँ पर टाइम हो रहा है, यानी लगभग 11 बजे मैं इस फॉर्म को कंप्लीट करने वाला हूँ और फॉर्म जो है आपका 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हुआ है और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितना वैकेंसी में कितना फाइट होने वाला है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे का पेमेंट अटक गया है उसका यहाँ पर सोल्यूशन क्या है और आगे वो क्या करेंगे। और साथ में कुछ एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग भी थोड़ा बात कर लेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियो को बार बार देखते होंगे तो पता चलता होगा कि मैं किस प्रकार से टोटल नंबर फॉर्म को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता है और मेक पेमेंट के लिए कहता है, वो मैं यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। जहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरने के लिए कहता है, जैसे नाम हो गया, आपका नेशनैलिटी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं, जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ डालने बोलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं बिहार के अंदर या कोई एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, ये सभी डिटेल्स भरने के लिए कहता है, वो भरते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट पेमेंट के मोड पे जाते हैं जहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको कहता है। आप देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर मिलता है। अगर आप मेरे वीडियो को पहले से देख दिया रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो ऑर्डर नंबर से ही पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, क्योंकि यही जो ऑर्डर नंबर होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन के आता है। अगर आप देखे होंगे, विश्वास कर चुके होंगे कि ये यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। और आप अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने बताया था जो ये फॉर्म है 72 जहां से स्टार्ट हुआ है, ये पहले 71 हुआ करता था और ये धीरे धीरे संख्या जो है वो 72 पर पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या, टोटल नंबर फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यह मैंने आपको कहा 71 पहले लिख के आता था, अभी 72 हो गया है, यानी एग्जैक्ट डाटा जो अभी जो टोटल नंबर फॉर्म यहाँ पता चल रहा है वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि 72 बढ़ गया, एक बढ़ा है, तो यहाँ पे 1129802 यानी टोटल नंबर फॉर्म इतना फिलअप हुआ है। कितना, 11,29,802 फॉर्म फिलअप हुआ है बिहार पुलिस दरोगा में जो 1275 पोस्ट के लिए निकला गया था। तो यहाँ पे टोटल नंबर फॉर्म एग्जैक्ट डाटा जो मैं बता रहा हूँ 11,29,802, इतना फॉर्म तो आसानी से फिलअप हुआ ही होगा, लेकिन मान के भी चलते हैं हार्डली से हार्डली 1,00,000 फॉर्म में कुछ गलती हुई होंगी जो रिजेक्ट हो सकती है या फेक रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जिसके चलते 1,00,000 हार्डली से हार्डली यहाँ पे आप गलत मान सकते हैं। तो कम से कम 10,00,000 तो फॉर्म जो है इसमें 10-10.5 लाख फॉर्म आसानी से फिलअप हुआ ही है। लेकिन मैं आपको दोनों डाटा बताऊंगा, 10,00,000 पे भी लेके और जो 11,29,802 है इस पे भी मैं आपको लेकर डाटा से बताऊंगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट पर कितना फाइट यहाँ पे होने वाला है। एक बार मैं इसे नोट कर लेता हूँ, 11,29,802। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट है। तो सबसे पहले आपको ये पता तो है ही कि 1275 पे वैकेंसी निकाली गई है, और आपको ये भी पता होगा कि पीटी से मेंस में जाने के लिए 20 गुना बच्चे का रिजल्ट लिया जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो कितना यहाँ पर निकल के आता है, तो यहाँ 25,500 बच्चे का सिलेक्शन जो है इसमें पीटी से मेंस के लिए किया जाएगा। कितना, 25,500 बच्चे का सिलेक्शन पीटी से मेंस के लिए किया जाएगा। और उसके बाद जो है मेंस से जो आपका जो अगला प्रोसेस फिजिकल के लिए होगा वो 8 गुना या 5 गुना जो होगा वो लिया जाएगा। लेकिन आपको तो अभी पीटी के लिए ही देखना है कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट हो रहा है। तो 25,500 जो है टोटल, और टोटल नंबर फॉर्म जितना फिलअप हुआ है उससे आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो चलिए अब चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और वहाँ पे दिखाते हैं कि एक सीट के ऊपर कितना फॉर्म में फाइट हो रहा है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर अपना ओपन कर लिया हूँ, जिसे डाटा मैंने बताया था 11,29,802, ये एग्जैक्ट डाटा जो मैंने अभी आपको जैसे दिखाया। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो जितना नंबर बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा पीटी में मेंस में जाने के लिए वो है 25,500। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे डाटा मिल गया, कितना मिला तो 44.30, जिसे आप मान के चलिए 45 भी जा सकता है, यानी कि एक सीट के ऊपर जो पीटी से मेंस में जाएगा लगभग 45 बच्चे फाइट करेंगे, यानी कंपटीशन तो काफ़ी टफ ही कहेंगे इसे, क्योंकि एक सीट पे 45 बच्चा फाइट कर रहा है, यानी आपको 44 बच्चों को पीछे करके आपको अपना एक सीट आगे की ओर बढ़ाना है। तो
तो ये एक सीट के ऊपर मैं बताया कि 44 बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं या 45 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये डाटा तब का मैंने बताया जब मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर 11 लाख का लगभग फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कि मान चल रहा हूँ 11 लाख फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ होगा। लेकिन मान के चलते हैं कि चलिए कि 10 लाख भी फॉर्म अगर फिलअप हुआ है जिसमें से 1 लाख जो है फेक रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब भी आपको 10 लाख डाटा पे से आप पता करते हैं कि कितना यहाँ पर एक सीट पे फाइट हो रहा है। तो यहाँ हम 10 लाख वैकेंसी डाल दिए, 10 लाख है। अब इसको 25,500 से डिवाइड करेंगे, जब 25,500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 39.21। इसका मतलब क्या, 40 बच्चा यहाँ पर जो है एक सीट के ऊपर फिर भी फाइट कर रहा है, जब हम 10 लाख ही फॉर्म को मान के चल रहे हैं कि 10 लाख फॉर्म हार्डली है, 10 लाख से 11 लाख के बीच में फॉर्म फिलअप हुआ है, इससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। चाहे आप RTI करके देख लीजिएगा भी, तो आपको इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं मिलेगा, 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम हो चुका है। अब कितने भी बच्चे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फॉर्म फिलअप हो जाए, फॉर्म फिलअप हो जाए, अब रेयर चांस ही है कि यहाँ पे 10,000 मैक्सिमम या 20,000 तक फॉर्म ही फिलअप होगा। अब इससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होने वाला था, 11 लाख तक मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा फॉर्म जो है अब फिलअप नहीं होने वाला है बिहार पुलिस दरोगा 1275 पोस्ट का। तो यहाँ पर एक सीट के ऊपर 40 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो ये भी कंपटीशन जो है ज़्यादा ही है। और यह है 10 लाख पे डाटा मैंने बताया 40 बच्चे, और 11 लाख पे मैंने बताया 45 बच्चे का फाइट हो रहा है। 10 लाख पे आपका यहाँ पर एक 40 बच्चे फाइट कर रहे हैं, और 11 लाख पर लगभग यहाँ पर 45 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जिस बच्चे का पेमेंट अटक गया है अब वो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होगा, एक तो पेमेंट आपने कटाया होगा और आपको आज ही कटाए होंगे, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं मिला है। और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट कटाया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला और पेमेंट अटक गया है। तो इस दो कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, जिसका पेमेंट कट गया है और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब एक दो दिन जो डेट खत्म होने के बाद यानी 5-6 तारीख को भी आप फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, हो सके फॉर्म फिलअप हो जाए। लेकिन जो बच्चे का पेमेंट कट गया है, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, ना कोई प्रूफ है, तो उनका पेमेंट को रिफंड ही किया जाएगा और उनको चांस ही नहीं है कि उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पेमेंट आपका रिफंड होगा, वो आपको कम से कम 7 दिन टाइम मांगेंगे कि आपको 7 दिन के अंदर वापस किया जाएगा, और अपने आपको बैंक का अपडेट देखते रहेगा कि उसमें पेमेंट आपका वापस हुआ कि नहीं हुआ। अब जो बच्चे छूट गए हैं वो छूट गए हैं, अगर डेट बढ़ाएगी तो अच्छी बात है, तब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई भी जानकारी अभी कहीं भी आपको कहीं सर्कुलेट नहीं की गई, ना ही वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और ना ही पेपर कट में कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि पिछले जितने भी ट्रेंड अभी बिहार में एग्जामिनेशन चला है उसके हिसाब से मैं बातें करूँ, तो कम से कम 2 से 3 महीने में हर एक विभाग का एग्जामिनेशन बिहार के अंदर कंडक्ट होते जा रहा है। तो आप ये भी मान के चलिए कि जो दरोगा बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है इसके अंदर जो एग्जामिनेशन है वो अभी से 2 से 3 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकते हैं। जैसे नवंबर में फॉर्म कंप्लीट हुआ है तो अब दिसंबर जनवरी फरवरी यानी जनवरी और फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन जो है इसका हो सकने का चांस ज़्यादा है। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए और आपका यहाँ पे GK मजबूत करिए, इससे आपका आसान होगा, कंपटीशन टफ ही है। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ आ गया होगा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।